हेलो दोस्तों, आपको एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर, जिसका नाम है आकाश और मेरा नाम भी है आकाश। तो आइए अपनी एक नए टॉपिक पे बात करते हैं, जिसका टॉपिक है कि अगर आप 30 साल से ऊपर के हैं और आपने ये फिल्म भी नहीं देखी तो भैया कर क्या रहे हैं दुनिया के अंदर। अगर आपने इस टाइप की फिल्में नहीं देखी तो मैं दिखाता हूँ किस टाइप की फिल्मों की बात कर रहा हूँ। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। ठीक है, तो नंबर 10 पे आती है वैकेशन। ये एक बहुत ही अच्छी फिल्म है जिसमें एक फादर अपने फैमिली के साथ जाता है, बट उसकी कोई फैमिली नहीं होती है। बाहर से कुछ एक्टर लाता है कि मेरी फैमिली है करके। वो ऐसा क्यों करता है, क्या सीन है, आगे जाकर फैमिली के साथ क्या क्या होता है, ये सब आपको देखने को मिलेगा वैकेशन मूवी के अंदर। तो अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी है तो भैया जल्दी से जल्दी देख लीजिए। और दोस्तों नंबर 9 पे आती है माइक एंड डेव नीड वेडिंग डेट्स। तो दोस्तों इसके अंदर सीन कुछ ऐसा होता है कि दो बहुत अमीर लड़के होते हैं जिन्हें लड़कियां चाहिए होती हैं। कभी उनको मतलब इस टाइप के लड़के होते हैं जैसे अपने होते हैं ना कुछ कुछ, जैसे दिल्ली के लोंडे, उनको लड़कियां वड़कियाँ देखने को भी नसीब नहीं होती। लड़कियां होती है बट फिर भी लड़कियां उनसे पटती नहीं है। सेम ऐसे कुछ इनका सीन था, स्मार्ट होने के बावजूद, पैसे होने के बावजूद इनसे लड़कियां नहीं पटती। बट तो ये एक टीवी पे स्टार दे देते कि भैया हमें लड़कियाँ चाहिए हमसे शादी करने के लिए, सेक्स करने के लिए, जो भी सीन है। तो ऐसा करने के बाद कुछ लड़कियाँ आती है, बट वो उस टाइप की लड़कियाँ नहीं होती जिस टाइप की लड़कियाँ उन्हें चाहिए होती है। तो वो किस टाइप की लड़कियाँ होती है ये सब आपको देखने के लिए, और आगे क्या होता है, उनकी शादी होती है कि नहीं होती, इसके लिए आपको देखनी पड़ेगी माइक एंड डेव नीड वेडिंग डेट्स। तो दोस्तों 8वें नंबर पर आती है, जो कि मेरे ख्याल से बहुत लोगों ने देखी होगी क्योंकि ये फिल्म बार बार टीवी पर आती रहती है, जिसका नाम है दोस्तों डोंट मैस विद सोहान। ये बहुत ही अच्छी फिल्म है ये फिल्म। और हाँ दोस्तों ज़रूरी बात फिर बता रहा हूँ, जितने भी मैं आपको फिल्मों के नाम बता रहा हूँ ये अपनी फैमिली वालों के साथ मत देखना, ठीक है दोस्तों। 8वें नंबर पे आती है डोंट मैस विद सोहान। इसमें ये सीन है कि ये थोड़ी सुपर नेचुरल टाइप की, फैंटेसी टाइप की मूवी है, आपको देखने को मिलेगा ना इसके अंदर फैंटेसी है, जादू टोना नहीं है भाई। बट इसमें कुछ ऐसे सीन है जो आप जिसे यकीन नहीं कर पाएंगे अपनी आंखों पर कि ऐसा भी हो सकता है, बट बहुत ही अच्छी फिल्म है, आपको देख के मज़ा आएगा। अगर आप लॉजिक पे नहीं जाएंगे तभी आपको ये फिल्म अच्छी लगेगी, अदरवाइज़ क्या कहते हैं। तो नंबर 7 पे आती है दोस्तों द डिक्टेटर। ये भी फिल्म आपने देखी होगी, जितना ये डोंट मैसेज दोहान टीवी पे आती है उससे ज़्यादा तो ये डिक्टेटर टीवी पे आती रहती है हिंदी में। बट जो टीवी पे सीन आते हैं वो सारे अनकट होके आते हैं, एडिट होके आते हैं। अगर आप डाउनलोड करेंगे इसे तो आपको कुछ कुछ ऐसे सीन देखने को मिलेंगे जिसे देख कर आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। द डिक्टेटर फिल्म आप देखिए, इसमें एक डिक्टेटर होता है जो कि मतलब सभी के ऊपर राज करता है, और अपने जब वो अपने देश से बाहर निकलता है तो किसी तरह से कि उसकी पहचान उससे खो जाती है, तो वो आगे जाके कैसे अपनी पहचान को वापस लाता है, क्या क्या वो झेलता है, ये सब देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा डिक्टेटर मूवी। और दोस्तों नंबर 6 पे आती है, ये बहुत ही अच्छी फिल्म है दोस्तों। इसके 3 पार्ट बन चुके हैं, जिसका नाम है द हैंगओवर। हैंगओवर फिल्म बहुत अच्छी है दोस्तों। इसमें ये सीन होता है कि कुछ 3 दोस्त मिलके आपस में थोड़ी पी भी लेते हैं, पर जब सुबह होती है तो उनको अंदाज़ा ही नहीं होता कि रात को पीने के बाद उन्होंने क्या क्या घटना करी, क्या क्या करा, किसी ने टैटू गुदवा लिया, किसी ने कुछ करवा लिया, किसी ने कान छिदवा लिया। इस टाइप से कुछ सीन होते हैं जिसे देखकर आपको बहुत मज़ा आएगा दोस्तों। तो अगर आपने हैंगओवर नहीं देखी तो अभी देखिए ये भी। और दोस्तों नंबर 5 पे आती है यूरो ट्रिप। ये बहुत ही प्यारी फिल्म है दोस्तों। इसमें सेक्स कॉमेडी तो है ही है, साथ में इसमें लव का भी तड़का है। अगर आपने फिल्म नहीं देखी तो नीचे की जितनी फिल्म है इन सबको छोड़ के आप सबसे पहले यूरो ट्रिप को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि मेरी भी फेवरेट फिल्मों में से एक है यूरो ट्रिप। ओके दोस्तों, इसकी स्टोरी आपको मैं बता दूंगा तो ये थोड़ा ज़्यादा स्पॉइलर हो जाएगा, इसलिए मैं चुप बैठा हूँ, इसलिए मैं आपको कुछ बता नहीं रहा। तो आप खुद ही देखिए कि मैं क्यों नहीं बता रहा, आप समझ जाएंगे कि हाँ भी अच्छा करें बंदे ने नहीं बताया। और दोस्तों नंबर 4 पे आती है, जिसका नाम आपने बहुत सुना है, इसके छोटे मोटे आपने व्हाट्सएप पे भी देखे होंगे सीन आ जाते हैं, जिसका नाम है स्कैरी मूवी। स्कैरी मूवी भी बहुत अच्छी फिल्म है दोस्तों। ये तो मैंने रिव्यू भी 3 या 4 पार्ट आ गए, वो अच्छे से याद नहीं है अभी, 3 या 4 पार्ट इसके ही बन चुके हैं। बहुत ही अच्छी फिल्म है दोस्तों, बहुत कॉमेडी वाली फिल्म है। बट दोबारा वार्निंग दे रहा हूँ दोस्तों कि अपने घर वालों के साथ ऐसी फिल्म बिल्कुल ही मत देखना। खाली पीली आप किसी को बाथरूम जाना पड़ेगा, किसी को टीवी का ब्रेक बंद करना करेगा, मतलब आपको किसी ना किसी बहाने से टीवी के सामने से उठ के निकलना ही पड़ेगा अगर आप अपने घर वालों के साथ फिल्म देखोगे तो। ओके दोस्तों, तो ये वाली फिल्म मत देखना घर वालों के साथ। स्कैरी मूवी अगर आपने नहीं देखी तो भैया वो भी देख लेना। ओके, और नंबर 3 पे आती है दोस्तों रोड ट्रिप। इसमें कुछ कॉलेज फ्रेंड होते हैं जो कि अपने दोस्त की गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए, क्योंकि उसका दोस्त उसको कोई गलत चीज़ भेज देता है, तो
उस लड़की के देखने से पहले वो डायरेक्ट रोड ट्रिप पे निकल लेते हैं कि भाई इस लड़की को देखने नहीं देना, इसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, इस टाइप से करके वो रोड ट्रिप पे निकल लेते हैं। काफ़ी लंबा सफ़र होता है, कोई गाड़ी छोड़ा के ले जाता है, कभी कुछ कर लेते हैं, इस टाइप का सीन होता है। ये भी थोड़ी सेक्स कॉमेडी टाइप की फिल्म है। रास्ते में उनकी जर्नी क्या क्या होती है ये सब आपको देखने को मिलेगा दोस्तों इस फिल्म के अंदर। अगर आपने फिल्म नहीं देखी तो ये भी देख लीजिएगा दोस्तों। नंबर टू पे आती है सबसे 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 खतरनाक और गंदी फिल्म, जिसके सामने मेरे ख्याल से अगर एक VFB चला दोगे और साइड में अमेरिकन पाई देखोगे तो अमेरिकन पाई पे ही आपका ज़्यादा ध्यान जाएगा दोस्तों। इतनी इस टाइप की फिल्म है ये, तो इसका नाम है दोस्तों, इतनी इस टाइप की फिल्म है ये। तो अगर आपने ये अमेरिकन पाई नहीं देखी तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि भाई अकेले में ये फिल्म ज़रूर देख लेना, ठीक है दोस्तों। इसके तकरीबन 8 पार्ट है, लास्ट पार्ट का नाम है अमेरिकन पाई रीयूनियन। स्टार्टिंग के कोई भी पार्ट इसके हिंदी में नहीं है, बट अमेरिकन पाई रीयूनियन है जो 8वां पार्ट है वो आपको हिंदी में आराम से देखने को मिल जाएगा दोस्तों। ये मैंने आपको इसलिए बताया है क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोल दिया था कि मैं आपको जितने फिल्मों के नाम बता रहा हूँ वो सारे हिंदी फिल्म डब होकर आ रखी है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ऐसे दोस्तों अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो ऐसे इनसे भी अच्छी अच्छी फिल्में हैं जो कि हिंदी में डब नहीं हुई है पर बहुत अच्छी अच्छी फिल्में हैं, तो बट मैं आपको हिंदी में हिंदी फिल्मों का नाम दे रहा हूँ, तो कोई भी गिला शिकवा मत रखना भाई कि आप अपने मन में करोगे भाई इससे अच्छी फिल्म तो ये है, इस बंदे ने इसका नाम नहीं लिया। ये सारी हिंदी जो फिल्म डब होकर आ रखी है मैं उन्हीं के नाम बताया आपको, ओके दोस्तों। अमेरिकन पाई के टोटल 8 पार्ट है, लास्ट वाला पार्ट है हिंदी में। अगर आपको लास्ट वाला पार्ट हिंदी में देखना है तो देख लीजिएगा। ऐसा नहीं कि अगर आपने आज स्टार्टिंग के 7 पार्ट नहीं देखे तो आपको 8वां पार्ट समझ नहीं आएगा। बहुत ही अच्छी फिल्म है, हर स्टोरी में अलग अलग टाइप के इसमें सीन होते हैं जिसमें आपको आराम से समझ आ जाएगा। अलग अलग स्टोरी होती है हर फिल्म में, तो आपको आराम समझ आएगा कि भाई फिल्म के अंदर क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, ओके दोस्तों। तो नंबर 1 पे आती है वन ऑफ माई फेवरेट मूवी दोस्तों, इसका नाम है आ हॉन्टेड हाउस। ये मेरे ख्याल से बहुत ही कम लोगों ने फिल्म देखी होगी वाली फिल्म, क्योंकि फिल्म क्या हर वेबसाइट पे नहीं मिलती दोस्तों इस टाइप की फिल्म। मुश्किल से मुश्किल 3 या 4 वेबसाइटें मिलेगी, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी अगर आपको ये फिल्म दिल से देखनी है तो। बहुत ही अच्छी फिल्म है। इसमें ऐसा होता है दोस्तों कि कुछ ब्लैक पीपल मतलब हफ्ती लोग होते हैं वो जाते हैं एक अपना घर शिफ्ट करते हैं, तो घर शिफ्ट करने के बाद वो रियलाइज़ करते हैं कि भाई इनके घर में घोस्ट है, पर वो घोस्ट होता है थोड़ा ठरकी टाइप का, तो वो इसकी ठरकपन देखना चाहते हैं दोस्तों कि उसकी बीवी के साथ क्या क्या होता है, यहाँ तक कि उस बंदे के साथ भी क्या क्या होता है, वो भूत क्या क्या करता है। तो ये सब आपको देखने के लिए देखनी पड़ेगी द हॉन्टेड हाउस दोस्तों, ओके। तो यही थे दोस्तों 10 मूवी जिसको आपको देखना चाहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर आपको इस टाइप वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो भाई 100-150 लाइक दे देना भाई वीडियो पे, नया ना बंदा हूँ मैं भी, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।